नमस्कार दोस्तों, शरद कैसी लाइव में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रजीत दावला। अज तुहानू लैके पहुंचे फाजिलका दे शाह पैलेस दे विच, जिथे अज श्री राम कृपा सेवा संघ वालों जिहड़ा है वह एक ब्लड डोनेशन जिहड़ा वह कैंप लगाया गया है। तो तुहानू अज सारियां लाइव तस्वीरां दिखावांगे शाह पैलेस दीआं, जिथे अज वख-वख जिहड़ियां संस्थावां वालों जिहड़ा नाल उन्हां दे सहयोग दित्ता जा रहा है। तो सरदार सुरिंदर सिंह शाह जी की जो है जो बरसी जिहड़ी मनाई जा रही है, उन्हां दी याद दे विच जिहड़ा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सब तो वड्डी गल जिहड़ी है अज जिहड़ा एक 12 जून जिहड़ी है वो एक वर्ल्ड डोनर का डे है। तो अज जिहड़े है लोग हर तरह के लोग इत्थे पहुंचे है, चाहे वह किसी सर्विसमैन ने, चाहे वह कोई घरेलू काम करते हैं, या चाहे वह पिंडा के लोग ने, वो सारे लोग इतने पहुंच के जरा अज अपना ब्लड देन पहुंचे है। तो तुम लाइव तस्वीर दिखावे अज सरद केसी के माध्यम नाल। दस दिए जो फाजिलका हेल्थ डिपार्टमेंट की जी टीम है वो हर वारी जी आप सेवावान खास तौर पर इतने निभाी है। तो तुम लाइव तस्वीर देख रहे हो किस तरह जरा फाजिलका हेल्थ डिपार्टमेंट की जी टीम है उसे पहुंची हुई है। उन्होंने वालों जी है हर वो लोगों का जोड़ा एक एंट्री की जा रही है। उन्होंने वालों जो लोग इतने ब्लड देने पहुंचे है उन्होंने वालों हर तरह का जोड़ा वो आपकी जी है लिखती कार्रवाई की जा रही है। तुहानू दिखावांगे लोगों के कि जोड़ा उत्साह भरिया होया है एक ब्लड देन का, वो लोगों नाल तुहाडी गलबात भी करावांगे। बने रहो साडे नाल। ब्लड देने बहुत वधिया ब्लड डोनेट करने आए हैं। असि भी आपके छोटे जे पिंड तो एक 50 बंद जरा ब्लड 50 बंदे आए हैं जी साडे जिहड़े ब्लड डोनेट करते हैं। तुसीं अगे भी जिहड़ा ब्लड डोनेट करते रहिंदे हो जी सर? किन्नी वारी अगे करते हो? असी कर दिता जी कोई 7 बार किया जी। मैं कई बंदे साडे फर्स्ट टाइम आए हैं जी, कई बंदे ने 3-4 बार किया है जी। जेकर गल की जाए टीम की, तुहाडे किन्ने मैंबर हैं जिहड़ी टीम है तुहाडे नाल जिहड़ी आ जी? अज जिहड़े हैगे आ जी, असी पहला तां असी 5-7 ही सी जी। इस जिहड़ा कैंप लगन ते असी इन्हां नूं दस्सिया जी, लोकां च जिहड़ी असी गलबात की जी उन्होंने सानूं इह गल दा बहुत वधिया रिस्पोंस दिता और साडे नाल वी आए। ब्लड डोनेट करन वास्ते असी 50 जिहड़े आयोजन किया गया उन्होंने रिफ्रेशमेंट वगैरह भी दी गई है जी सर। ये सन वो पिंड के निवासी जिन्होंने आपको जानकारी दी। आओ तुम दिखाने अंदर का माहौल किस तरह जरा लोग लाइव जरा अपना ब्लड दे रहे हैं। तो दिखाने अंदर का सारा माहौल कि किन्ने जो बेड अंदर लगाए गए हैं, लोग जरा ब्लड दे रहे हैं, उन्होंने लिए की जी है व्यवस्था की गई है वो तुम सारी अच्छ लाइव कवरेज दिखावे सर किसी के माध्यम। जेकर गल की जाए एंट्री की टीम के वालों जी हर तरह की जी चेकअप जी एंट्री की जा रही है, उन्होंने वालों जोड़े है बैग प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जिन्होंने उन्होंने ब्लड देना है। और तुम देख रहे हो किस तरह उन्होंने वालों सारी जी लिखती कार्रवाई की जा रही है। ब्लड दे के आदि रिफ्रेशमेंट जी ले रहे हैं। तो देख रहे जो लोग किन्नी बारी जरा ब्लड दिता? फर्स्ट टाइम दे रहे हो। किस तरह की अपील करना चाहूंगा?
ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਿਸਨ ਮਾਨਿਕ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ अच्छे तरीके जो ब्लड किया जा रहा है बड़े ही तरीके जो एक पैक ब्लड के उपर जो उन्होंने रिपोर्ट है वह बना के उन्होंने नाम जो तरीक है वह सारी उन्होंने उपर मैनशन करके उन्होंने टेस्ट करके सुचारू ढंग के नाल जो है वह टीम के वलों पैक किया जा रहा है ताकि जो है लोगों के वलों ब्लड दिता जा रहा वो गर्मी के कारण जोड़ा वो खराब ना हो उस करके उन्होंने जोड़ा वो आइस बॉक्स के रखा जा रहा है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6-7 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सारे लोगों भैनों भरावों ने सारे अपील करना चाहता है कि तुम भी आओ तो जिदा ब्लड डोनेट का हिस्सा बनो पार्ट बनो तो अपन डोनेट करना चाहता है सारे मेरे भैन भरावों ने यही अपील है कि तुम भी आओ डोनेट करो किसी अपने डोनेट करना किसी भी जिंदगी बच सकती है अपनी किसी भी तुसी देख सकते हो जो लोग ब्लड दे चुके हैं या देन पहुंचे हैं उन्होंने वालों भी जड़ा एक रिफ्रेशमेंट उन्होंने दी जा रही है ताकि जो उन्होंने ब्लड देना है उन्होंने किसी तरह की जड़ी है गर्मी नू लैके किसी तरह की कोई भी जड़ी है वो कमजोरी महसूस ना हो चाहे लोग जो ब्लड देने वाले तंदुरुस्त ने उन्होंने तो पहले पूरी पूछगिछ की जाती है कि तुहानू किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है किसी तरह की तुहाडी कोई मेडिसिन तो नहीं चलती है उन्होंने को पूरी पूछगिछ की जाती है पर उन्दे बावजूद भी जड़ा इन्होंने किसी तरह की कोई बाद दे विच दिक्कत ना पहुंचे उन्होंने पहले ही जड़ी है रिफ्रेशमेंट दी जा रही है तो तुसी देख सकते हो पंजाब पुलिस जो है वह भी इस टाइम आधा जो ब्लड डोनेट करने वास्ते पहुंचे ने इन्हां नाल भी गलबात करांगे हाँ जी सर की नाम तुहाडा जी सर तुम ब्लड देने वास्ते पहुंचे हो अज शाह पैलेस दे विच ते तुहानू किहो जिहा फील हो रहा कोई फील नहीं वधिया बिल्कुल ठीक है तुहानू किसे तरह की कोई अगे तुसी ब्लड दिता कदे जी चार पांच वारी अगे दिता ते लोगों नू किस तरह तुसी जिहड़ा संदेश देना चाहोगे संदेश खूनदान करना चाहिए अजकल जो माहौल चल रहा ब्लड जरूरी है देना चाहिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਹੈ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਕਤਦਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਕਤਦਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਅਜਿਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਅਸੀਂ ਕਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਬੋਹਰ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਬਿਹੇਵ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪਿੱਛੇ ਮੁਤਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਏ। ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 365 ਦਿਨਾਂ 340 ਦਿਨ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। 25 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 20-25 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 340 ਦਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਿਆਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ 500 ਤੋਂ 700 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 671 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 671 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦੀ
थीम के एमरजेंसी खत्म कर चुके हैं। की एमरजेंसी जलालाबाद के हादसा होया, पूरे फाजिलका पता है, बस पलटी। दो दिन पहला साढ़े को ब्लड बैंक ब्लड बहुत घट पिया, 240 की डोनेशन हुई 8 तरीक न, शायद 9 या 10 तक का हादसा से, 35 बोतल साढ़े को जलालाबाद मंग लिया गई कि इमीजिएट भेजा जाए। कि एमरजेंसी जो ब्लड सानू देना पैंता जो साढ़े को ब्लड ना पिया होता कि मैं 35 बंदे कट्ठे कर पाता 10 मिनट के, पॉसीबिलिटी नहीं है सर। 35 बंदे फ्री बैठे होंगे उस काम लिए, फिर कि स्पैसीफिक ग्रुप जो मैं 10 चाहिए से 10 बंदे वाले आ जाते कदे भी नहीं। तो आपको यह सोचना चाहिए कि एमरजेंसी की है, असी ब्लड देना तो असं ब्लड बैंक से पहले ही स्टोर कर देंगे। जो ब्लड बैंक ब्लड स्टोर सेगा तो असी 35 यूनिट मात्र 15 मिनट से तो शिफ्ट कर दते। जे असी एमरजेंसी कलैक्ट करते पहला डोनर देता, फिर उनकी टैसटिंग आती, फिर शिफ्टिंग का टाइम लगता कि 4 घंटे और डोनर सर्वाइव कर पेशेंट सर्वाइव कर पाता कद भी नहीं हो। तो असी एमरजेंसी की परिभाषा ही खत्म कर दी कि एमरजेंसी का मतलब ही नहीं है, तुम्हें ब्लड की जरूरत है, ब्लड बैंक जाओ, 10 से 15 मिनट का मैचिंग प्रोसैस है, वो निकालो और ब्लड लो। और एमरजेंसी के नहीं डोनेट करना चाहिए, बड़े इन इफेक्ट्स ने। मैं चैनल के माध्यम में छोटी जी गल दसना एग्जाम्पल देना चाहवागा, अपने घर के दुध आ जाता है, दुध में आप बॉयल कर लिया, उन्होंने उस बार फ्रिज क्यों रखे, खराब तो होया ही नहीं, उन्हें होना भी नहीं, उन्होंने फ्रिज क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उनके बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो सेम लाइक ब्लड, जो तो ब्लड आप ले लिया, आप डोनेट करता, उन्होंने फ्रीजिंग क्यों किया जाता है, फ्रीजिंग इस वास्ते किया जाता कि जो बैक्टीरिया ने खत्म हो जाए। तो जे मैं मौके पर ब्लड दूंगा तो फ्रीजिंग तो होएगा ही नहीं, तो मेरा बैक्टीरिया दूजे की बॉडी चला गया। अब कोरोना वायरस की है, बैक्टीरिया ही है, वायरस ही है, इन्हों वायरस आप कह रहे हैं। तो आप वायरस रहित लोगों को ब्लड देना है, वो तो बेचारा पहला ही बीमार है, उन्होंने आप होर बीमारी दे रहे हैं, आपको तो कितों का सेफ ब्लड है वाला। तो एमरजेंसी को खत्म करके असी सेफ ट्रांसमिशन देिए, ताकि जिस पेशेंट को ब्लड की जरूरत है ब्लड मिले। तुम नंबर की गल की है, लगभग फाजिलका वाले को सारे को नंबर है, फिर भी तुम ब्लड की किसी की एमरजेंसी पैंती है, साडा नंबर नोट कर सकते हो, 9500106912 9500106912 कॉल कर सकते हो। और एक गल जरूर दिमाग रखना, असी 100% कामयाब ना हो पाइए, फाजिलका की साड़ी पूल गरंटी है, लेकिन बार असी 90% जरूर कामयाब होवांगे, 10% शायद सानू भी कितने असफलता का सामना करना पै सकता है, पर 90% जो किसी समस्या हल होंगी है तो बहुत वड्डी परसेंटेज या कोई छोटी परसेंटेज नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये सन राजीव जी जिन्होंने आपको जानकारी दी ब्लड को लैके किस तरह जेडे अपना जो ब्लड है वह जेड़ा दिता जाता है, उसके किस तरह जो टेस्ट किए जाते हैं, उन्होंने जांच की जाती है, तो उस तो बाद जो किस तरह लोगों के लगाया जाता है, एक ब्लड अपना दिता होया लोगों को किस तरह काम आता है, अगर अपनी कोई मेडिसिन चलती है या किस तरह की कोई अपने शरीर के रोग है तो असं भी उन्होंने यही अपील करा कि वह ब्लड देन ना पहुंचन। तो तुम देख रहे हो फाजिलका दी लाइव तस्वीर शाह पैलेस दियाँ, जिथे अज बहुत ही अच्छे तरीके ब्लड डोनेशन कैंप जरा लगया गया, तो उन्होंने वालों यह भी कहा गया कि लगभग 500+ जे लोग इतने अज ब्लड डोनेट करे। इस तरह होर भी जड़िया फाजिलका दी अपडेट लैके हाजिर होवोंगे, तद तक देखते रहो सरहद केसरी लाइव। धन्यवाद।